हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज सेशन नंबर फोर्टीन ऑफ नबार्ड बर्ड राइटिंग एंड एज यूजुअल वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चंस ओके तो इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ आंसर्स आए हमारे पास टेलीग्राम के ऊपर थोड़ा सॉयल साइंस की जो फील्ड है वहाँ पर फोकस करता है क्वेश्चन बट डेफिनेटली इट्स अश्चन विच कैन बी आस्ड इन द स्पेशलाइज्ड फील्ड एज वेल एज द जनरल फील्ड ऑल्सो क्योंकि बड़ा बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है अगर हम सॉइल के टॉपिक की बात करें ओके तो आई बी शोइंग यू द क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जिन्होंने आंसर नहीं लिखे हैं वो एक बार सोल्यूशन देखने के बाद भी आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं एंड टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हैं आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ आंसर ऑन टेलीग्राम तो भेज सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है कोई भी लेक्चर आपने देख लिया है उसके बाद भी आप उस आंसर को भेज सकते हो ठीक है पहले अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है अब अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर उन्होंने पहली बार लेक्चर्स हैं, तो पिछले चौदह सेशंस uh, के या पिछले तेरह सेशंस के क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें और उनके क्वेश्चंस को भी लिखें प्रैक्टिस करें और भेजें हम आपको उसका रिव्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे और एम के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है टू थाउजेंड प्लस एम कोर्स है एग्रीकल्चर के एम आपको उसके अंदर मिलेंगे फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है हैप्पी फिफ्टी कोड अगर आप यूज़ करते हैं सिर्फ थ्री हंड्रेड रुपीज़ के अराउंड आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल सो यू कैन गो हैड विद दैट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक उसका फ्री टेस्ट भी डाला हुआ है हमने वो भी डिस्क्रिप्शन में है क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था एक्सप्लेन द सॉइल जेनेसिस 15 मार्क्स के लिए मैंने आपको लिखने को बोला था ये 600 वर्ड्स के अंदर ठीक है तो सॉइल uh, जेनेसिस सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो है बात करेंगे इंट्रोडक्शन uh, की तो जब आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर आप सॉइल जेनेसिस का मीनिंग जो है वो लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है Uh, इसके अंदर अगर अब आपको सॉइल जेनेसिस का मीनिंग ही नहीं पता देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ठीक है सॉइल जेनेसिस को बेसिकली uh, देखो अगर हम बात करें तो इसको बेटा हम पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं पेडोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है या सॉइल जेनेसिस के अंदर हम क्या बात करते हैं हम बात करते हैं ओरिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की कि कैसे सॉइल का ओरिजन होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ठीक है तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें सॉइल के ओरिजिन या फॉर्मेशन के ऊपर आंसर लिखना है ना इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक यू कैन राइट अ लॉट आप चाहो तो इसके अंदर 2000 वर्ड्स भी लिख सकते हो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर तो अपने आप को हमें लिमिट करना होता है ठीक है और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें लिखी जा सकती हैं क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक एरिया uh, के बारे में नहीं पूछा है सॉइल फॉर्मेशन में वो एक जनरल वे में क्वेश्चन uh, पूछ रहा है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डाली जा सकती हैं uh, अगर आप सॉइल जेनेसिस की बात करोगे इसके ओरिजिन या फॉर्मेशन की बात करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी तो स्कोप काफ़ी ह्यूज है अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या क्या डाल सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा ठीक है अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हो सॉइल जेनेसिस आल्सो कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ठीक है इस तरीके से आप अपनी स्टार्टिंग लाइन को इनिशिएट कर सकते हैं अब सॉइल जेनेसिस का मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद इसके अंदर से आंसर निकालने का काम आप लोगों का है ठीक है देखो मैं ये जो लेक्चर्स दे रहा हूँ मेरा यहाँ पर काम आपको एज इट इज आंसर फ्रेम करके देने का नहीं है ठीक है आंसर में जब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूँ ना उसका आंसर मैं फ्रेम करता हूँ लेकिन वो मैं शेयर नहीं करता हूँ किसी भी बच्चे के साथ ना टेलीग्राम पे ना यूट्यूब के ऊपर उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम किसी स्कूल के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे कि मैं आपको चम्मच भर भर के खिलाऊं और आप फिर उसको खाओगे ठीक है वो लाडलापन मेरे को आपको नहीं देना है ठीक है कि मैं आपको आंसर पूरा प्रिपेयर करके दूँ चार वर्ड का आंसर छः वर्ड का आंसर उस उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी मैं तो यहाँ पर आपको कंटेंट का एक आइडिया दे रहा हूँ इन लेक्चर्स के अंदर कि हाँ ये कंटेंट आप डाल सकते हो उसके अलावा जो आप आंसर लिख करके भेजते हो उसमें मैं रिव्यू दे देता हूँ कि ये इसमें कमी है ये इसमें ठीक करना है ठीक है वो लाडलापन मेरे से आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको आंसर बना करके दूंगा मैं उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ ठीक है वो जो एक कंसेप्ट होता है ना कि मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ पूरे का पूरा मॉडल आंसर से मतलब मेरा है कि पूरा वो जिस तरीके से वो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको लिख करके दे दूँ तो वो चीज़ बहुत हानिकारक है एक बच्चे के लिए ठीक है उसके पास कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट में से आंसर आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए ना सोइल जेनेसिस के दो डिस्टिंक्ट स्टेप्स होते हैं या सॉइल फॉर्मेशन के पहला होता है जी आपका वेदरिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जो रॉक है जो पेरेंट मटेरियल है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और डीकम्पोजिशन होगा मिनरल्स का पहले रॉक डिसइंटीग्रेट होगा छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर एंड फिर उस रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो डीकम्पोज होना शुरू होंगे दूसरा होता है डिपोजिशन डिपोजिशन बेसिकली क्या होता है जिसके अंदर आपके पेडोजेनिक प्रोसेसिस से सॉइल डिपोजिट होना शुरू होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट वगैरह का प्रोसेस भी आ जाता है जब हम वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग के अंदर एक तो आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है और सिंथेसिस दोनों हो रहा है रॉक्स का ठीक है डिस्ट्रक्शन क्योंकि आपका जो रॉक के बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल कंबाइन टुगेदर, ठीक है अब ये फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है स्मॉलर साइजेस के अंदर एंड देन फिर वो उसके अंदर केमिकल बायोलॉजिकल सारे तरह के प्रोसेसेस आ जाते हैं ठीक है पहले फिजिकल होगा उसके बाद केमिकल्स भी उसके ऊपर अटैक करेंगे एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी नो वेदरिंग और सॉयल डेवलपमेंट हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चलते हैं जहाँ पर आपके सॉफ्ट रॉक्स होते हैं ठीक है जहाँ पर आपके सॉफ्ट रॉक्स होंगे वहाँ पर वेदरिंग और सॉयल डेवलपमेंट का काम एक साथ चलता रहेगा लेकिन जहाँ पर आपके हार्ड रॉक्स हैं वहाँ पर आपकी पहले अच्छे से वेदरिंग होगी वो हार्ड रॉक्स ब्रेक होंगे उसके बाद सॉइल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा ठीक है अब वेदरिंग फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स से हो सकती है ये इंडिविजुअली भी एक्ट कर सकते हैं लेकिन जनरली नेचर के अंदर हम क्या देखते हैं कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ ही काम करते हैं फिजिकल वेदरिंग के अंदर आप फिजिकल वेदरिंग के बारे में लिख सकते हो कि ये जो है ये रॉक का केमिकल या मिनरल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करती फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग तो जैसे अगर कोई बहुत बड़ा सा रॉक है या पेरेंट मटेरियल है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी उसका काम उसके उसके अंदर के मिनरल के साथ इंटरफेरेंस का नहीं है ठीक है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेकर के आ रही है इसके अंदर वेरियस प्रोसेसेस आ जाते हैं फ्रीजिंग एंड थोइंग जो आपके जो रॉक्स हैं उसके अंदर अगर वाटर पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं ठीक है एंड व्हेन दे मेल्ट ठीक है तो वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहता है हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर भी वही होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एब्रेशन हो गया रूट्स रूटिंग एंड मिनरल एक्टिविटी हो गया ग्रेविटी हो गया अनलोडिंग एंड ओवरबर्डन जो रिलीज होता है स्ट्रेस की वजह से कॉल्यूमिनेशन ठीक है ये कहीं ना कहीं केमिकल वेदरिंग की वजह से ही एक फिजिकल वेदरिंग के अंदर इफेक्ट आता है अब इनको ना आपको आंसर के अंदर बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नहीं तो आपका आंसर जो है वो एक्सप्लोर्ड हो जाएगा इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है केमिकल वेदरिंग के अंदर आप लिख सकते हो कि अब केमिकल वेदरिंग के अंदर फिजिकल वेदरिंग के मुकाबले क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके मिनरल के अंदर ऑल्ट्रेशन आ रही है ठीक है एक अलग ही तरह का एक सेकेंडरी मिनरल फॉर्म हो रहा है जो प्राइमरी मिनरल से बिल्कुल अलग है केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है आपके मिनरल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आ जाएगा अब ये जो ऑल्ट्रेशन हो रही है ये रॉक के विद इन इन जिसको हम बोलते हैं कि रॉक के अंदर ही केमिकल uh, रिएक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई सल्यूशन के साथ रॉक के जो मिनरल्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या सॉल्ट हो गया है ना न प्रिंसिपल रिएक्शंस जो केमिकल वेदरिंग के अंदर आ जाते हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रेशन हाइड्रोलोसिस सोल्यूशन एंड कार्बोनेशन जैसे प्रोसेसेस आ जाएंगे और केमिकल वेदरिंग में जो मेन मेनली रोल प्ले करते हैं वो वाटर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो आपके नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग आ जाता है बायोलॉजिकल वैदरिंग की अगर हम बात करें तो जो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग है उसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स काम करते हैं जैसे प्लांट रूट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक एसिड्स चेलेटिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग एनवायरमेंट वाइडनिंग क्रैक्स एंड कैसेज तो ये सब क्या हो होगा ये बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर आ जाते हैं जो अल्टीमेटली फिजिकल और केमिकल वेदरिंग को प्रमोट करेंगे ठीक है जी अब सॉयल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुआ और उससे आपका पेरेंट मटेरियल जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया अब वेदरड रॉक्स का जो मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होगी एक जगह से दूसरी जगह पर वो रीडिपोजिट होंगे एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस रीडिपोजिशन ऑल्सो मॉडिफिकेशन विल हैपन ठीक है पेरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन अब देखो अलग अलग फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करके रीडिपोजिट करेंगे हमने सॉइल फॉर्मेशन में दो चीज़ें देखी ना एक तो वेदरिंग हो गया और दूसरा उसका क्या हो गया रीडिस्पोजिशन तो रीडिस्पोजिशन में वेरियस फोर्सेस काम करती हैं आप उसको मैंशन कर सकते हो जैसे वाटर है ठीक है वाटर के अंदर आपके स्ट्रीम्स हो गए लेक्स हो गए ओशंस हो गए ये सॉयल पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं और एल्यूब्रियम लेक्स्ट्राइन मेराइन इस तरह के डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं आइस भी आपका एक डिपोजिशन मीडियम है टिल और मोरेन जो बेसिकली जो पार्टिकल्स जिनको ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है उनको टिल या मोरेन बोला जाता है विंड से जो पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं उसको लॉयस या ड्यून्स हम बोलते हैं ग्रेविटी से पार्टिकल्स ट्रांसफर होने वालों को हम कोलुवियम बोलते हैं ठीक है तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पता होना चाहिए जैसे अगर वो पूछ ले लॉयर्स इज द डिपॉजिट बाय विच एजेंट ऑप्शन ए वॉटर बी आइस सी विंड डी ग्रेविटी ई नन ऑफ दी अबव सिमिलरली वो पूछ सकता है कोलुवियम पूछ सकता है ठीक है जी वॉटर से होता है आइस से होता है विंड से होता है ग्रेविटी से होता है नन ऑफ द अबव से होता है तो उस तरीके से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन तो देखो सॉइल की फॉर्मेशन के अंदर जो पेरेंट मटेरियल होता है उसके ऊपर मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ठीक है उसमें प्लांट का भी इन्फ्लुएंस है केमिकल ऑर्गेनिजम्स का इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है एज ऑफ लैंड लैंड कितना पुराना है ज़मीन कितनी पुरानी है उसका इन्फ्लुएंस है उस एरिया की टॉपोग्राफी का ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस है ठीक है तो उसको हम अगर हम देखें तो क्लाइमेट के अंदर क्या आ गया प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आ गया बारिश और तापमान ऑर्गेनिज़म्स में फॉरेस्ट ग्रास माइक्रोब्स अब ये जो दो फैक्टर है ना क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म ये लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो रीजनल होता है क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि आपके शहर के अंदर एक इलाके का क्लाइमेट अलग है और दूसरे इलाके का क्लाइमेट सेम है अलग है तो एक शहर के अंदर जनरली क्लाइमेट आप देखने को मिलता है कि एक जैसा होता है तो ये रीजनल बेसिस के ऊपर काम करते हैं ठीक है सिमिलरली फॉरेस्ट माइक्रोव्स ग्रासलैंड इनका जो है रीजनल इन्फ्लुएंस होता है सॉइल फॉर्मेशन पे उसके बाद पेरेंट मटेरियल का मिनरल कॉम्पोजिशन पेरेंट मटीरियल का टेक्स्चर टॉपोग्राफी उस एरिया के अंदर इरोजन और ड्रेनेज कैसा है टाइम तो ये जो फैक्टर्स हैं ये स्मॉल स्केल के ऊपर काम करते हैं लोकली ठीक है कि वो लैंड कितना पुराना है टाइम वो वेरी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर इरोजन एंड ड्रेनेज उस एरिया में कैसा है वेरी कर सकता है उस एरिया के पेरेंट मटेरियल का मिनरल कॉम्पोजिशन और टेक्सचर कैसा है वो वेरी कर सकता है तो क्लाइमेट और जो आपका ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है ये होता है थोड़ा सा रीजनल स्केल का बड़े स्केल का लार्ज स्केल का और पेरेंट मटेरियल टॉपोग्राफी और टाइम ये स्मॉल स्केल के ऊपर एक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में नाव जब हम ट्रॉपिकल सॉइल्स की बात करते हैं फॉर्मेशन की तो थोड़ा सा आप एक्सपर्टीज इसके अंदर डाल सकते हो अब ये जो सॉइल के बच्चे हैं स्पेशली सॉयल साइंस के उनके लिए ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन जब वो प्रोवाइड करते हैं पेपर में तो एक एज प्रोवाइड करता है ना मोहर एंड ग्वेंडबेरन इन्होंने पाँच स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बात की है ट्रॉपिकल सॉइल्स की वॉट आर दे सबसे पहले कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में तो आपका पेरेंट मटेरियल होता है जो कम्प्लीटली अनवेदर्ड है अभी तक उसकी कोई वेदरिंग नहीं हुई है ज्यूबिनाइल स्टेज में वैदरिंग जो है वो स्टार्ट होगी ठीक है जुबिनाइल स्टेज थोड़ा बच्चा बड़ा होना शुरू है तो वैदरिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी अब इसके बाद थर्ड स्टेज आता है विराइल स्टेज विराइल स्टेज के अंदर क्या होता है जो ऐसे मिनरल्स हैं जो ईजिली जिनकी वैदरिंग हो, हो, हो जाती है ठीक है जो वेदरेबल है उनको डिकम्पोज कर दिया गया है मोस्टली वो डिकम्पोज हो चुके हैं ठीक है थीके? जिसकी वजह से क्ले कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो चुका है एंड एक मेलिनेस आ गई है नाउ द कंटेंट ऑफ सोइल कंपोनेंट व्हिच इज लेस सेसेप्टेबल टू वेदरिंग इज स्टिल एप्रिसिएबल ठीक है अब जो इसके अंदर देखूं बेसिक मीनिंग ये क्या बात कर रहा है कि जो डीकंपोज हो सकते हैं वो डीकंपोज हो गए हैं और जो डीकंपोज नहीं हो सकते अभी उनके अंदर काम होना बाकी है ठीक है जो डीकंपोज हो सकते हैं वो हो गए हैं जो नहीं हो सकते उनके अंदर अभी काम करना बाकी है Now, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेनाइल स्टेज सेनाइल स्टेज के अंदर क्या है डीकम्पोजिशन फाइनल स्टेज के ऊपर आ गया और इसमें जो मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल है ना वो सिर्फ बचे हैं बाकी सब डिकम्पोज हो चुके हैं और फाइनल स्टेज के अंदर सारे का सारा आपका डीकम्पोजिशन हो चुका है सॉइल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और आपका पेरेंट मटेरियल फुली वेदर हो चुका है तो देखो इसमें ज्यादा टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है इनिशियल स्टेज में बिल्कुल अनवेदर्ड है जुबेनाइल में वेदरिंग स्टार्ट हुई है विराइल स्टेज में जो इजीली मिनरल है वो उसकी हो जाएगी बाकी बच जाएगा सेनाइल में सारा डिकम्पोज हो जाएगा जो सबसे रेजिस्टेंट मिनरल है सिर्फ वो बच जाएगा और फाइनल स्टेज में एवरीथिंग विल बी थिंग उसके बाद के अंदर आप यंग एंड मेच्योर सॉइल्स की फॉर्म के पॉइंट भी डाल सकते हो कि यंग सॉइल बेसिकली क्या होता है सो दिस द दॉइल वेयर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड पेडोजेनिक प्रोसेसेस आर स्टिल ऑपरेटिव यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है अभी भी काम चल रहा है ठीक है और सॉइल की प्रॉपर्टीज इसकी वजह से कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ठीक है एंड अल्टीमेटली जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो आपको पूरी प्रोफाइल के अंदर उसका जो एक डिस्टिंक्ट uh, इंप्रेशन है वो नहीं दिखेगा ठीक है एंड धीरे धीरे आपका क्ले कंटेंट जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ता जाएगा एक होमोजेनिटी आपको सॉइल के अंदर नहीं दिखेगी मेच्योर सॉइल दूसरी तरफ क्या होता है यहां पर क्ले जो है वो इक्वरिबियम में आपको देखने को मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्ले कंटेंट बढ़ रहा है ठीक है नाउ क्ले कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ प्रोफाइल एट एन इंटरमीडिएट डेप्थ एक डेप्थ के बाद जा के वो इंक्रीज करना शुरू होगा लेकिन प्राइमरी मिनरल्स के अंदर जब हम क्ले की बात करते हैं तो वो मोरलेस इक्म इरोजन और डिपॉजिटेड ओवर बाय अ फ्रेश ट्रांसपोर्टेड पेरेंट अ न्यू साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन विल स्टार्ट इन दैट केस क्योंकि जो पहले से है वो तो पूरे तरीके से मेच्योर है अब देर आर वेरियस प्रोसेस ऑल्सो दैट आर इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन वो आप मैंशन कर सकते हो कैल्सिफिकेशन हो गया जिससे आपका सी ए सी ओ थ्री का फॉर्मेशन और accumulation होता है जिप्सिफिकेशन में जिप्सम का डी कैल्सिफिकेशन में जब आप सी ए सी ओ थ्री सॉइल हॉरिजन से रिमूव करते हो पॉर्जोलाइजेशन के अंदर क्या होता है आपका एलुबिएशन होता है एफी एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स का और ह्यूमस का एसिडिक कंडीशंस के अंदर अब एलुविएशन क्या होता है एलुविएशन और इलुविएशन के बारे में मैंने Uh, बहुत बार uh, जो है वो बताया है कि एलुविएशन क्या होता है और एलुविएशन uh, क्या होता है सो बेसिकली एलुविएशन में रिमूवल होता है ठीक है लीचिंग से या रिमूवल होता है और एलुबियशन में एडिशन होता है है ना प्लेटराइजेशन माइग्रेशन ऑफ सिलिका जो आपके सॉयल सोलम में से आपका अगर सिलिका जो है वो रिमूव कर देंगे आप उसके बाद सेलिनाइजेशन में आपके सोल्यूबल सॉल्ट्स का एक्यूमिलाइजेशन हो रहा है और उसी तरीके से डीसेलिनाइजेशन में रिमूवल हो रहा है एल्कलाइजेशन में आपका सॉइल पीएच जो है इंक्रीज हो रहा है यानी कि सोडियम आइन्स इंक्रीज हो रहे हैं और डी एल्कलाइजेशन में अगेन ऑपोजिट डिक्रीज हो रहा है के के अंदर आपका, uh, के अंदर आपका आयरन रिडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एनोरबिक कंडीशन अगर आपकी वॉटर लॉक्ड कंडीशन है उसके बाद पेडोट्यूर्बेशन के अंदर आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल हॉरिजन ऑफ आयरन इन वाटर लॉक्स विद फंक्शन ऑफ मॉटल एंड कंक्रीट्स ऑफ एफ एन एम वो छोटे छोटे ना कंकर से बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मिक्सिंग एरगुलेशन के अंदर क्या होता है जो आपका डिस्पर्स क्ले मटेरियल है उसका लीचिंग हो जाएगा अपर हॉरिजन से वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा और वो लीच होकर के लोअर हॉरिजन के अंदर आपका क्ले पार्टिकल्स जो है वो पहुंच जाएंगे ठीक है जी सो दिस इज ऑल अब इसके अंदर आप अल्टीमेटली अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो अब कंक्लूजन में आप दो या तीन लाइन लिख देना दैट सॉयल फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन the agriculture because soil is the core of agriculture development and with the because soil formation is a very slow process it takes thousands of years for soils to be uh, for soil to be developed or for soils to be formed soil erosion is a very serious problem for agriculture which needs to be dealt with in a positive manner and schemes like soil health card are a step in the right direction इस तरीके से दो या तीन लाइन के अंदर आप कंक्लूजन लिख देंगे एंड आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं 600 वर्ड के अंदर बहुत आसानी से अपना ये आंसर आप खत्म कर सकते हैं अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पे तो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया था लेकिन जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो रहेगा ठीक है जो टेलीग्राम जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ से इस क्वेश्चन को उठा लें वैसे बहुत सारे बच्चे इस आंसर को ऑलरेडी लिख करके भेज चुके हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न चार वर्ड्स का है दस नंबर में आपको लिखना है सेशन नंबर फिफ्टीन इसके ऊपर होगा चलिए यहाँ पर अब हम सेशन को ख़त्म करेंगे मुझे आशा है कि आप लोगों को मज़ा आया हो और अगर कोई दिक्कत हो कोई मज़ा ना आया हो किसी चीज़ में कोई तंगी हो कोई डाउट हो कुछ कहना चाहते हो कुछ रिव्यू देना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी बहुत कंटेंट बाकी है एंड विल सी यू सून टिल देन टेक केयर एंड बाय